तिवारी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी सभागार में अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अप्रैल माह से मदिरा की दुकान समय से खुले, क्योंकि सभी दुकानों को यथावत रिन्यूअल कर दिया जाएगा। जो पूर्व में दुकानें थी, इस वर्ष भी वही दुकान संचालित होंगी तथा जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त अतिशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, जीडीओ उपाध्यक्ष अनुज कुमार, सीडीओ हर्षिता माथुर, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, पूर्वांचल विद्युत चीफ डीके सिंह, संयुक्त आयुक्त उग्रसेन पांडे, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शुरू कर दिया है, एक महीना हो रहा है कैबिनेट का डिसीजन होके, काफी चीजें स्ट्रीमलाइन कर दी गई इस साल के पॉलिसी में। और अगर थोड़ा आपके यहाँ पे दिक्कत होती है कि वो बार बार एनआईसी करते हैं, एक चीज समझ लीजिए, बियर बार, होटल बार, वाइन बार का जो है वो आपका ही के अपने पोर्टल पे है, और जो बाकी एफएल टू सीएल टू दुकानें हैं वो एनआईसी के पोर्टल पे। तो आपके डीओ को बोल दे कि वो प्रॉपर जगह वो आज रोल ओवर करने का प्रोविजन कर दिया गया है। रोल ओवर ऑटोमेटिक होगा, जैसे पिछले दो साल से रोल ओवर नहीं हुआ, स्टॉक 17-18 का 18-19 का पड़ा है, ये इस साल ऑटोमेटिक है। उसमें 1% रोल ओवर भी लेना है और ड्यूटी डिफरेंस लेना है। ड्यूटी डिफरेंस भी होगा नहीं ज्यादा, क्योंकि कहीं पर भी ड्यूटी बढ़ी नहीं है। तो आपका